एस न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। जैसा कि आपको कमी लगी तो हार गई। देखिए मुंबई, वही क्या आपका सवाल, वो बिल्कुल ठीक था। रोहित शर्मा अगर जल्दी विकेट गिरता तो वहां बहुत मुश्किल आने वाली थी, लेकिन एक अजीब सा फैसला था वहां ईशान किशन को ना खिलाकर, उसे आपने सौरभ तिवारी को खिलाया, लेकिन वहां उनका फैसला ठीक भी साबित हुआ। सब हाईएस्ट रन उन्होंने टॉप स्कोरर रहे मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन नीचे जो बल्लेबाज थे लोअर मिडिल ऑर्डर, जहाँ हार्दिक पांड्या हो, कृणाल पांड्या या फिर कायरन पोलार्ड, वहां से उनसे कुछ अच्छा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिस कारण वो स्कोर नहीं कर पाई अच्छा। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग में उनकी ज्यादा कमी रही है वैसे, क्योंकि बॉलिंग में जो बुमराह पे वो डिपेंड होते हैं, बुमराह ने 4 ओवर में 43 रन दिए, बहुत ज्यादा उनकी कुटाई हुई है, तो वहां पे मुझे लगता है मुंबई पीछे रहेगी थोड़ा। और वहीं चेन्नई में देखें तो लोग पीयूष चावला से उतनी उम्मीद नहीं लगा रहे थे, हम भी शायद उतनी उम्मीद नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल डाला, 4 ओवर में मात्र 23 रन दिए, और रोहित शर्मा का विकेट जब उन्होंने लिया तो वहीं से मुझे लगता है थोड़ा टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से था। और बात करें अगर चेन्नई की, चेन्नई तो उन्होंने हम जो सोच रहे थे उन प्लेयरों को तो की तरफ तो देखा ही नहीं, अलग ही आउट ऑफ द बॉक्स डागल लुंगी एंगडी, लुंगी एंगडी और तान ताहिर को नहीं खिलाया, जिनको नहीं खिलाया जी जी रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक धमाकेदार मैच हुआ है और सभी को मजा आया। हमने यही कहा था कि कोई भी जीते कोई भी हारे, लेकिन हमें मजा आना चाहिए। तो अजहर थोड़ा सा क्या स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी उन्होंने पैदा की थी, जेम्स पैट नहीं बोलते पैटिंसन और ट्रेंट बोल्ड ने वहां शुरुआती झटके दे दिए थे लगातार 2 ओवर में, उसके बाद डुप्लेसिस और अंबती रायडू ने जो मैच संभाला है, गजब की इनिंग बिल्डअप करते चले जाते हैं ना। अंबती रायडू ने जो पारी खेली है उन्होंने बिल्कुल ये बताया कि रहना नहीं, और उनका साथ डुप्लेसिस ने ऑब्वियसली बात है बहुत बहुत जबरदस्त, यही कुछ टर्निंग पॉइंट्स मेन रहे मेरे हिसाब से। तो डुप्लेसी को जो वो उन्होंने जो इनिंग खेली है, राइडो ने एक अच्छी इनिंग खेली है नो डाउट, लेकिन डुप्लेसी ने एक छोर पकड़ के रखा, मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट रहा है। मुंबई उनका विकेट नहीं गिरा पाई, वहीं से सारा मैच, क्योंकि एक अपसेट बल्लेबाज को अगर आउट नहीं कर पाते हैं वो लास्ट तक खेलता है तो मैच आपका वहीं पर खत्म हो गया है, कोई मतलब चांस ही नहीं है कि वो आपको हारने देगा मैच, यही बात है। बाकी आज बहुत अच्छा खेला वो स्पिन को और फास्ट बॉलिंग को भी, हां भाई। तो आज का मैच हमारा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, मतलब दो, क्योंकि जो दो बड़ी टीमें होती हैं उन पर सबकी नजरें रहती हैं, लेकिन दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने कभी आईपीएल का कोई खिताब नहीं जीता है, और हर बार लोगों को उम्मीद होती है कि इस बार ये फोड़ेंगे, इस बार तोड़ देंगे सब कुछ। तो पंजाब और दिल्ली का मैच है, पंजाब और दिल्ली के मैच से उम्मीद ये रहती है क्योंकि ये दो ऐसी टीमें हैं जहां पर यंगस्टर्स की भरमार रहती है, बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं अभी भी, बहुत यंगस्टर्स की भरमार है, बहुत यंग टैलेंट बहुत है दोनों ही टीमों में। हाँ, इनके कैप्टन भी जो हैं, तो दिल्ली के जो कप्तान है श्रेयस अय्यर, बहुत अच्छी कप्तानी उन्होंने की थी सीजन में पिछले, तो उनसे बहुत उम्मीद रहती है। इस बार जो पंजाब के कप्तान है केएल राहुल, वो भी एक युवा खिलाड़ी हैं, बहुत उम्मीदें हैं उनसे। तो क्या आज के मैच में हम क्या उम्मीद करें सर? मैं कल मैच जो खेला गया वो शेख जायद स्टेडियम में खेला गया, लेकिन उससे थोड़ी सी डिफरेंट विकेट पर आज मैच खेला जाएगा, थोड़ा सा ग्रास कवर्ड विकेट होगा। शुरू के फेज में आपको फास्ट बॉलर को मदद मिलती हुई दिख सकती है, लेकिन उसके बाद स्पिन का जादू चलता हुआ दिखेगा वहां भी, लेकिन इनिशियल स्टेज में आपको वहां फास्ट बॉलर ही कमाल करते हुए नजर आएंगे। और जहां तक केएल राहुल की बात है तो केएल राहुल के कमाल शॉट जो होते हैं उनके फ्लिक और कवर्स में जो छक्के लगाते हैं, आला दर्जे के खिलाड़ी हैं। और उसके साथ क्रिस्टोफर हेनरी गेल को बिल्कुल ना बोलिए, यूनिवर्स बॉस,
1000 छक्के लगा रहे थे, मात्र 22 छक्के दूर है। खेल तो अगर चल गए तो फिर तो दिल्ली की शामत नहीं है किसी भी कीमत। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि पिछले सीजन तक जो कप्तान थे पंजाब के, वो इस बार दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं अश्विन। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि जो पंजाब की स्ट्रेटेजी है से अश्विन जो है बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे? गेल के साथ खेले हैं वो, उनको पता है कि क्या कैसे क्या करना है। तो गेल कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों में जो अश्विन मुझे लगता है ज्यादा भारी पड़ेंगे, आपको क्या लगता है ऐसा? ठीक है, जब क्रिस गेल बेंगलोर से खेलते थे और अश्विन चेन्नई से, तो बहुत ऐसा बहुत बार देखा गया कि जहाँ क्रिस गेल को थोड़ा आक्रामक मूड में होते थे तो धोनी अश्विन को याद करते थे, और अश्विन ने ज्यादातर बार उन्हें विकेट लेके दिया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस बार भी लगता है कि श्रेयस अय्यर को काफी उम्मीद होगी अश्विन से कि क्रिस गेल को जल्दी सत्ते में आउट करके निकाल दें। हाँ, और एक मेन पॉइंट है कि जो एलेक्स कैरी हैं, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ जो है 100 मारी थी अभी पिछला जो अभी सीरीज हुई ऑस्ट्रेलिया में, तो एलेक्स कैरी को क्या दिल्ली की टीम जो है वो सिमरन हेटमायर को बहुत धमाकेदार प्लेयर है उनके ऊपर आज कहीं ना कहीं तवज्जो मिलेगी क्योंकि वो पिछले मैच बहुत अच्छी फॉर्म से वापस आए हैं। बहुत अच्छी फॉर्म से वापस आए हैं, लेकिन कंडीशन की बात है वहाँ सिमरन हेटमायर सीपीएल में थोड़ा सिमिलर कंडीशन थी दुबई के हिसाब से, कि वहाँ भी थोड़ा टेम्परेचर हाई था, विकेट भी थोड़ा सिमिलर होता है यहाँ से, तो मुश्किल है कि सिमरन हेटमायर से ऊपर कैरी को सोचा जाए, लेकिन फिर वो लास्ट फैसला टीम मैनेजमेंट का ही होगा। मुझे नहीं लगता है सिमरन हेटमायर से ऊपर कैरी को सोचा जाएगा। नहीं, एक पॉइंट ये है ना कि पेस आज जो है वो हरी घास वाली विकेट है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस भी कुछ वैसे ही होती हैं, इंग्लैंड के पिचेस भी कुछ उसी तरीके से होती हैं, फास्ट पेसेस अच्छे मदद मिलती है वहाँ, तो ये एक